शुक्रिया। कुल लागत क्या है ये 35 लाख की लागत से बल्दिया में जो है नुमाइंदगी की गई है और इंशाल्लाह ये शेड यहाँ पर भी हो रहा है, फिर चार मीनार में अलावे सरतोख़ मुबारक में अरबईन के अय्याम में लगाया जाएगा और बादशाह अशुर खाने में भी शेड लगवाया जा रहा है। तो एक सिलसिला है, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर टेम्पररी शेड लगवाए जा रहे हैं। रोड मुहर्रम का पवित्र महीना शुरू होने के लिए समय बेहद ही कम बचा है, बारिश भी हो रही है, लेकिन AIMIM पार्टी द्वारा हैदराबाद के पुराने शहर में तेज गति के साथ मुहर्रम के पवित्र महीने के कार्य संपन्न हो रहे हैं। ये सिर्फ असदुद्दीन अवैसी एवं अकबरुद्दीन अवैसी की संकल्प शक्ति का ही कमाल है, जो मुहर्रम के पवित्र महीने के छोटे छोटे कार्यों को भी पहले प्राथमिकता दी जा रही है और संपन्न करवाए जा रहे हैं। वैसे हैदराबाद का मुहर्रम बेहद ही लोकप्रिय है। भारत में हर राज्यों में मुहर्रम के जुलूस निकाले जाते हैं, लेकिन तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में मुहर्रम के पवित्र महीने के कार्य मुहर्रम का पवित्र महीना शुरू होने से पहले ही शुरू हो जाते हैं। मुहर्रम शुरू होने के लिए 6 दिन का समय बचा है, लेकिन तेज गति से कार्य चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर AIMIM पार्टी का संगठन बेहद ही मजबूत है। सरकार से कार्य कराने में AIMIM पार्टी हमेशा सफल रहती है एवं AIMIM पार्टी एक वर्ग के कार्य नहीं करती, सभी वर्गों का ख्याल रखा जाता है। सभी वर्गों के त्योहारों में पहले ही कार्य कराने में सबसे आगे AIMIM पार्टी रही है। इस मर्तबा भी AIMIM पार्टी द्वारा ही तेज गति से कार्य सरकार से करवाए जा रहे हैं। तो वहीं AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन अवैसी के निर्देश एवं AIMIM के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी के नेतृत्व में AIMIM के याकूतपुरे के विधायक जाफर हुसैन मिराज की उपस्थिति में याकूतपुरा निर्वाचन क्षेत्र के डबिलपुरा डिवीजन के बीबी के अलावे में वाटरप्रूफ शेड के कार्य तेज गति से हो रहे हैं। इस समय विधायक जाफर हुसैन मिराज एवं MLC मिर्जा रियाजुल हसन अफंदी दोनों ही बारीकी से इन कार्यों का निरीक्षण किए। जाफर हुसैन मिराज ने कहा कि मैं तीसरी बार के लिए विधायक याकूतपुरे से बना हूं, तो मेरा पहला मुहर्रम है, लेकिन ये कार्य मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में शहर का लोकप्रिय बीबी का अलावा है और कार्य कराने का जो मुझे अवसर प्राप्त हुआ है, मैं अपने आप को बेहद ही भाग्यशाली समझता हूँ। और असदुद्दीन अवैसी अकबरुद्दीन अवैसी की गंभीरता को देखते हुए ही इन कार्यों को पहले प्राथमिकता दी जा रही है तेलंगाना सरकार द्वारा। इन्होंने ये भी कहा, असदुद्दीन अवैसी अकबरुद्दीन अवैसी के मार्गदर्शन में ही मैं मुहर्रम के पवित्र महीने के कार्य तेज गति से करवा रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है मुहर्रम का पवित्र महीना शुरू होने से पहले ही कार्य संपन्न हो जाएंगे, हर साल की तरह इस साल भी। एवं MLC मिर्जा रियाजुल हसन अफंदी ने भी पत्रकारों को वक्तव्य दिया। MLC ने अपने वक्तव्य में कहा, 5 वर्ष से मुहर्रम का पवित्र महीना बारिश के समय आ रहा है, इसे देखते हुए असदुद्दीन अवैसी के सफल प्रतिनिधि पर ही 5 वर्ष से यहाँ पर वाटरप्रूफ शेड के कार्य मुहर्रम के पवित्र महीने के पहले अशरे में होते हैं और इसी प्रकार से इस साल भी हो रहे हैं। इसकी कुल लागत 35 लाख है। इन्होंने संभावना जताई है कि 3 दिन के भीतर ही ये कार्य संपन्न हो जाएंगे। इसके कारण बीबी के अलावे में जो लोग ज्यारत करने के लिए प्रवेश करते हैं और मातमदार मातम करते हैं, उन्हें किसी भी दिक्कतों का सामना नहीं होगा। इन्होंने ये भी कहा, इसी प्रकार के चारमीनार निर्वाचन क्षेत्र के
अलावा सरतुख मुबारक और बादशाही आशुर खाने में भी वाटरप्रूफ शेड के कार्य होना है, लेकिन अरबईन के समय अलावा सरतुख मुबारक में होंगे और बादशाही आशुर खाने में भी इसी प्रकार से होंगे। इन्होंने कहा ये सभी कार्य असदुद्दीन अवैसी के सफल प्रतिनिधियों पर ही संपन्न हो रहे हैं और विधायक जाफर हुसैन मेराज भी सभी अधिकारियों से संपर्क में है। इन्होंने कहा ये कार्यों के लिए सभी आशुर खानों के जिम्मेदार लोग भी सहयोग कर रहे हैं, इनके सहयोग से ही ये कार्य संपन्न हो जाएंगे। और कहा कि AIMIM पार्टी हर प्रयास कर रही है समय से पहले कार्य संपन्न कराने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसा कि आने वाले कुछ दिनों में अय्याम अज़ा मुहर्रम का आगाज़ होने वाला है और इस ज़मन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगियों पर तमाम अय्याम अज़ा के इंतज़ामात के लिए नुमाइंदगियाँ की गई हैं और कामों का सिलसिला जारी और सारी है। यकीनन अलाए बीबी में 5 साल से जो मुहर्रम आ रहा है ये बारिश के मौसम में आ रहा है, तो 5 साल कबल ज़ायरीन ने सदर मोहतरम नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद से, ये बताया था कि लोगों को तकलीफ़ हो रही है बारिश के वजह से ज़ायरीन को, तो उसी वक्त सदर मोहतरम ने हिदायत दी और यहाँ पर 5 साल से टेम्प्रवरी शेड लगाया जा रहा है और ये शेड अलम मुबारक की इस्तादगी से पहले मुकम्मल कर लिया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और 10 मुहर्रम को सवारी अलम मुबारक बरामद होने से पहले ही इस शेड को रिमूव भी किया जा रहा है। तो ये एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन कामों की देखरेख कर रही है। जनाब जाफर हुसैन मेराज साहब MLA याकूतपुरा के ज़ेर निगरानी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर व मोतमदीन हम तमाम मिलकर इन कामों को अंजाम दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन कामों की तकमील भी हो रही है। शुक्रिया। कुल लागत क्या है? ये 35 लाख की लागत से बल्दिया में जो है नुमाइंदगी की गई है और इंशाल्लाह ये शेड यहाँ पर भी हो रहा है, फिर चार मीनार में अलावे सरतोख मुबारक में अरबईन के अय्याम में लगाया जाएगा और बादशाह आशुर खाने में भी शेड लगवाया जा रहा है। तो एक सिलसिला है, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर टेम्पररी शेड लगवाए जा रहे हैं। रोड नल के पानी के टैंकर्स की सप्लाई, वाटर वर्क्स से जो है वाटर बॉटल्स की सप्लाई और तमाम रोड्स वगैरह तमाम मरम्मत होने के काम, न्यू रोड्स, ये तमाम कामों का सिलसिला जारी और सारी है। तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLAs, कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सदर मोहतमदीन, सदर मोहतरम नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में इन कामों को अंजाम दे रहे हैं।